माय चैनल तिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? एट प्रेजेंट आपकी एक सेशन स्टार्ट किया है एडवांस आउटलाइन का, ठीक है। उसको मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सी एडवांस आउटलाइन किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आज सेकेंड वीडियो का है इसका टर्न। सेकेंड वीडियो में कुछ रूल्स हैं जो आपके हो चुके हैं, ठीक है। रूल्स इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये चीज इस फॉर्मेट में किस तरह से आई है। डिटेल रूल्स का वीडियो भी आपका अपलोड होगा, बट ये एडवांस आउटलाइन में इसलिए डाल रही हूँ ताकि अगर आप अभी से इनको प्रैक्टिस में लेंगे तो आपके हाथ की ग्रिपिंग भी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो लास्ट तक बैठे रहने से अच्छा है जो चीजें आपको प्रैक्टिस करके मैनेज करनी है वो आप इनको देख के डिफाइन कर सके, ठीक है। ये ऑलरेडी 12 लिंक्ड वीडियोस होंगे जो कंटिन्यूशन में आपके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, पहला जो है आपका, कुछ जो वाक्यांश है वो ऑलरेडी रूल्स में हो चुके हैं उनके थ्रू है, और कुछ यहां पर नए रूल्स होंगे आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है तितर बितर, ठीक है। तितर बितर जो शब्द है, अब यहां देखिए त और ब दो रूल आ रहे हैं। तो क्या होता है कि हमने ये व्यंजन लिखा बड़ी बनाई, ठीक है, और नीचे बा। तर दर के लिए किसी भी व्यंजन रेखा को जब उसकी लेंथ का डबल कर देते हैं तो उसमें तर और दर जुड़ जाता है। ये द्विगुणन सिद्धांत है जो आप आगे पढ़ेंगे। अभी आप इसको समझिए कि ये ता की व्यंजन रेखा है और ये बा की व्यंजन रेखा है। ता की व्यंजन रेखा को अपनी लेंथ का बड़ा बना के उसमें बा की व्यंजन रेखा को जोड़ दिया है, तो ये पूरा एक शब्द बन गया है तितर बितर, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रातः काल। तो प्रातः का आपका शब्द चिन्ह परंतु प्राय हो चुका है, ठीक है। इसी में आपका ऐड हो जाएगा काल, इस तरह से प्रातः काल, ठीक है। फिर है आपका धूम धाम से। तो देखिए, ध म म और स, मतलब धूम का आया। जब यही वर्ड दोबारा रिपीट होता है, साउंड चेंज होती है, तो हम फिर अगला वर्ड खाली लास्ट का बनाते हैं और उसके साथ में जो भी कंजेक्शन है, जो भी शब्द आ रहा है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो धूम धाम से में धूम धाम से, इस तरह से ये डिफाइन हुआ है। इसके बाद देखिए, आपका शब्द है अन्य प्रकार। अन्य नाई शब्द चिन्ह है आपका ये, इसमें प्रकार ऐड हो गया, ठीक है। अब आप समझिए, ये जो एक शब्द ऐड हुआ है प्रकार, तो इसको आप प्रकार से कहीं पर आता है तो भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखिए प्रकार से, ठीक है। तो यहां से ये एक नया आपका डिफाइन हो गया प्रकार से, ओके। नेक्स्ट जो आपके आएंगे वो देखिए, ये आपने समझ लिए होंगे, जो अगर कोई अलग बनेगा मैं आपका राइट साइड में उसको डिफाइन कर दी जाऊंगी। इसके बाद है आपका आज प्रातः काल। देखिए आज प्रातः काल, आज जाए का शब्द चिन्ह है, प्रातः काल अभी आपको बताया है उसी से ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद फल फूल, तो फल फूल, बाप दादा, बाप दादा, ये बा की व्यंजन रेखा, नीचे पा की व्यंजन रेखा लाइट बनेगी और दादा, ठीक है। बाल बच्चे, तो बाल और बच्चे, बा और ला, बा ला के रूप के साथ में बा की व्यंजन रेखा है और बच्चे के लिए चा की व्यंजन रेखा से इसको कट कर दिया है, ओके। इसके बाद देखिए हाल चाल। अगेन वही है हाल चाल, तो हाल चाल, ला की ही व्यंजन रेखा को ऊपर ड्रॉ कर देंगे हम, ओके। इसके बाद आपका शब्द आता है उत्तर उत्तर।
तो उत्तरोत्तर रागी व्यंजन रेखा को अपनी लेंथ का डबल कर दिया है तो उससे ये शब्द आपका डिफाइन हो गया। ओके, इसके बाद देखिए शब्द है जांच पड़ताल। तो देखिए जांच पड़ताल, जा और चा की व्यंजन रेखा है, पा में रा का हुक लगा है और ला की व्यंजन रेखा है, तो जांच पड़ताल। ठीक है, ये पूरा शब्द बगैर साउंड के आप डिफाइन कर सकते हैं और इजिली बनता है। ओके, ये सेक्शन आपने नो डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, सुख शांति। तो देखिए सुख शांति, ठीक है, साथ 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 साथ, ये था के लिए सबसे लास्ट में काटा है हमने यहां पर। इसके बाद शब्द है आपका हाथों हाथ, तो हाथों हाथ थाली व्यंजन रेखाएं हैं दोनों, एक शुरू में कटी हुई है और एक लास्ट में काट के बनाई है हमने। ठीक है, इसके बाद है आपका एक दूसरे, तो का की व्यंजन रेखा को इस आपके वाक्यांश में या एडवांस लाइन में अपोजिट चलाया है, दूसरे एक दूसरे फ्लो में लेने के लिए। ठीक है, कहीं कहीं, ठीक है, इस तरह से आपका ये जो शब्द बना राष्ट्रपिता, इसी शब्द का जब हम थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो आप इसे राष्ट्रपति भी बना सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, यहाँ पे ता का हुक ले गया है। लास्ट वर्ड आपका इस एडवांस आउटलाइन में आता है भाई तथा बहनों। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, भा की व्यंजन रेखा है, हल्का सा कर दिया है बहनों, इस तरह से आपका ये डिफाइन हुआ है। देखिए जितनी भी एडवांस आउटलाइंस हैं इनको आपको प्रॉपर ही प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, जब आप इनको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे तब ही आप इनको फ्रिक्वेंटली लिख पाएंगे। प्रैक्टिस में लेने का पर्पज ये होता है कि शब्द आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति एक शब्द है, अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो पूरा प्रॉपर लिखेंगे, राष्ट्रपति 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 राष्ट्रपति। ठीक है, शब्द को फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, हाथ हल्का करेंगे, मतलब पेंसिल हल्के हाथ से पकड़ेंगे, लेकिन शब्द को प्रॉपर बनाएंगे। पर्पज ये है, अगर आपका शब्द प्रॉपर बना हुआ नहीं होगा तो उस कंडीशन में जब आप रनिंग में लिखेंगे, मतलब जब आप स्पीड में लिखेंगे, तो अपने बनाए हुए शब्दों को ही आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो शब्दों को प्रॉपर समझने के लिए उनका प्रॉपर बना होना भी बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग से अगर आपकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है, शब्द आपके पढ़ने लायक नहीं होंगे। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिएगा, रूल्स को प्रॉपर मैनेज कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। अभी के लिए चैनल को देखते रहिएगा, कंटिन्यूएशन में बने रहिएगा। थैंक यू।